उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 2022 से 23 के लिए 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। बता दें कि प्रदेश के कुल राजस्व प्राप्तियां 63,000 करोड़ की हैं, जबकि कुल एक्सपेंडिचर 65,000 करोड़ का है। वहीं अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 297,84,00,000 की धनराशि का प्रावधान किया गया। वहीं पेंशन के लिए इतने पैसे, जो कि सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी गरीब परिवारों को अंत्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में 3 निःशुल्क LPG सिलेंडर के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए 55,50,00,000 का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 43,15,00,000 का प्रावधान किया गया है। सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 36,86,00,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 34 करोड़ का प्रावधान किया गया।